हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, ये मेरे मामा की लड़की की शादी में मैं जा रही हूँ, तो ये मैं अपना लुक आपको दिखा रही हूँ जाते समय। ये मेरा मायके का घर है, वहाँ से ये मेरा भाई है जो सामान लेकर जा रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो आपको पूरी शादी में दिखाऊंगी यहाँ पर, और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये आप पूरी शादी आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, आपका टाइम बहुत अच्छी तरह से जाएगा इसमें। तो ये देखिए, ये हमारे घर से हम निकल गए थे, हमारे बाहर का जो रास्ता है वो है बाजार है, यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार है। और यहाँ से जाते समय ये देखिए, शाम का समय है, ये शाम के समय हम लोग जा रहे थे वहाँ पर। तो हम ये शाम का समय इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मैंने अगले दिन जो हम लोग गए थे उसका ये क्लिप इसमें आ गया है, तो सॉरी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपने मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ, मेरा मौसाड़ जिसे मैं कहती हूँ, यहाँ पर मामा का घर है वहाँ पर। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे थे, हमारा और वो थोड़ा सा दूर है मेरे मायके से, मेरे मामा का घर 50 किलोमीटर जितना दूर है। ये देखिए, हमारे यहाँ पर डूंगर बहुत ज़्यादा है, तो और हमारे यहाँ पर ज़मीन थोड़ी पत्थर वाली ज़मीन है और डूंगर यहाँ पर होते हैं। तो ये रास्ता है, शाम का समय है, इतना अच्छा व्यू दिखता है शाम के समय, यहाँ पर जंगल जैसा दिखाई देता है। और ये मैं आपको शादी जो दिखा रही, मेरे मामा की लड़की की शादी है, मेरी मामा की बेटी की शादी है, मेरे सगे मामा हैं जो दूसरे नंबर के, उनकी बेटी की शादी है ये। तो हम लोग पहुंच गए थे शादी में, तो ये देखिए हम पहुंच कर यहाँ पर बैठे थे। मेरी जो गणेश पूजा होती है, जो सबसे पहले वो पूजा होने वाली है, तो सारे मेरे घर वाले, मेरी मामी, मेरी मासी, वो सब यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये मेरे मामा का घर है, यहाँ पर पूजा होगी अभी, गणेश पूजा कहते हैं। मेरी ये मेरी मासी की लड़की है ये, तो उसकी भी शादी आने वाली है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। ये सामने देखिए, ये गणेश बनाए हुए हैं, वो गणेश पूजा का जो समय होता है उस टाइम में ये पूजा होती है, यहाँ पर मंडप बनता है, उसके बाहर जो गेट है गेट के बाहर सब। ये देखिए, ये पॉस भरने की विधि है, जहाँ पर सारे लोग पैसे देते हैं और इसके हाथ में जो स्लीपर है वो पॉस भराते हैं, यहाँ पर लिखवाते हैं पैसे, सब लोग 50 रुपये 100 रुपये इस तरह से आशीर्वाद के रूप में पैसे देते हैं गणेश पूजन के वक्त ही। ये सब मेरे मेरे मायके, अरे मेरी मम्मी का मायका है जो मेरे मामा का, वहाँ के सारे लोग हैं। और ये देखिए, ये पूजा बाहर जो गेट के बाहर पूजा हुई थी, वहाँ से आकर जब वो पूजा हो जाती है, उसके बाद लड़की जो बीच में जो उमरा जो कहते हैं ना, उस पर वो पैर नहीं रख पाती, वो नहीं रखना है, तो ये देखिए उस पर ये पैर नहीं रखेगी। इस तरह से होता है कि उमरा उमरे के ऊपर पैर नहीं रखना है, और अंदर जब तक शादी ना हो जाए तब तक वो उमरे को पर पैर नहीं रखेगी, इसी तरह से होता है। और ये एक दूसरी विधि है जिसमें छोटी छोटी लड़कियां हैं, और मेरे मामा की यहाँ कुटुंब की जो पूरे परिवार की जो लड़कियां होती है छोटी सी, वो मिट्टी लेकर आती है, जहाँ पर यहाँ ग्रह शांति के लिए जो हवन बनता, हवन का जो कुंड बनता है ना, उसकी मिट्टी ये लड़कियाँ लेकर आती है। तो इस लड़कियों को टोकरी में ये मिट्टी होती है, एक एक जो मिट्टी का जो वो क्या कहते हैं पत्थर जैसा वो होता है। और यहाँ पर ये मेरी भाभी है जो पूजा कर रही है, वो तो वो यहाँ इस तरह से पूजा कर रही है, और छोटी बच्चियों को पैसे दे रही है। हमारे
जाएगी। तो ये देखिए, ये ग्रह शांति की पूजा हो गई है। तो ये दोनों मेरे मामा के लड़के हैं और सामने मेरे मामा और मेरी मामी जी बैठी हुई है। तो वो ग्रह उनकी बेटी का की शादी है, तो ये ग्रह शांति की पूजा हो रही है यहाँ पर। तो हमें उसी दिन होती है, जिस दिन शादी होती है उसी दिन ग्रह शांति की और गणेश जी की और सबकी पूजा होती है, क्योंकि रात के वक्त का समय में शादी है। तो इसीलिए सुबह सुबह में ये सारी पूजा विधि होती है यहाँ पर। ये सारी मेरे मामा जी है और मेरे मामा के बेटे हैं, ये सारा एक कुटुंब ही है, एक परिवार है। मेरे दादा के दो भाई थे और दो भाइयों के ये सारे बेटे हैं। मेरी मम्मी के तीन भाई हैं और ये देखिए, और उनके बच्चे और सब यहाँ पर है। ये पूरा एक परिवार है, कुटुंब है यहाँ पर, जो इस विधि में खड़ा रहता है। जहाँ श्रीफल जो होम करते हैं यहाँ पर ग्रह शांति में, तो ये सारी डोरी पकड़ के खड़े रहते हैं उनके परिवार वाले। तो ये बीच में मेरे मामा है, दूसरी तरफ जो पिंक वाला कुर्ता पहना है वो मेरे सबसे छोटे मामा जी है, और इस तरफ जो है ये दूसरी मेरी मम्मी के अंकल के बेटे हैं। उसी तरह से ये पूरा एक परिवार है जो यहाँ पर खड़ा है, और ये विधि पूजा विधि हो रही है, ब्राह्मण पूजा विधि कर रहे हैं ग्रह शांति की। तो सारी विधियाँ अभी हो जाती है और शाम के वक्त ही दूल्हा जब आता है और शादी की रस्में शुरू होती है। तो ये देखिए हमारी रस्में आपको कैसी लगी, मेरा लुक आपको कैसा लगा। और अब आप, मैं आपको नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि मैं अभी ये वीडियो बना रही थी, तो मैं भूल गई कि मैं अपना लुक दिखाऊं। तो मैं अगले वीडियो में मैं अपना लुक आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से तैयार हुई थी। ये दूसरी विधि में मैंने हर विधि के लिए अलग कपड़े और सब पहना था। सुबह गणेश पूजा में मैंने साड़ी जो आपको दिखाई वो पहनी थी, और दूसरी ये ग्रह शांति की पूजा में मैंने अब मेरा राजस्थानी सूट रजवाड़ी सूट पहना था, तैयार हुई थी, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पाई। जो मैं आपको अगली वीडियो में इसकी जो दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा भाग आएगा, उसमें आपको जरूर दिखाऊंगी। तो आप बताइएगा कि मैंने आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये देखिए, मेरी मामी है और पीछे मेरी मम्मी है जो येलो कलर की ड्रेस में है, मेरी मम्मी है। तो ये सब जा रहे हैं मामी का की स्वागत करने के लिए। और लड़की के मामा के यहाँ से भी सामान आता है, मामा जी आते हैं, मामियाँ आती है, उनके नाना नानी जो सब आते हैं उनका स्वागत करने के लिए। ये सब ये देखिए है। तो देखिए ये सब यहाँ पर रखा है जो मामेरा का सामान है। तो यहाँ पर सबको ये सबको व्यवहार के रूप में दिया जाएगा। ये जितने कुटुंब वाले हैं सबको यहाँ से औरतों को साड़ी और जो मर्द पुरुष होते हैं उनको पैसे इस तरह से ये लोग देते हैं। तो ये उसके मामा, देखिए ये उसके मामा और मामी, और ये लड़की है जिसकी शादी है, मेरे मामा की लड़की है, बेटी है ये, इसका नाम भूमि है। तो भूमि की शादी है। तो देखिए ये सारे उसके मेरी मामी के मायके वाले हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये बीच में बैठ जाएगी अब मेरी मामी की लड़की, जो मामेरा की रस्म है वो करनी है इसीलिए। तो यहाँ पर ये सब बैठेंगी और मामेरा की रस्म करेंगी। तो आप देखते रहिए कि हमारे कैसे रिवाज होते हैं, कैसे किस किस तरह से ये विधि होती है, रिवाज किस किस तरह से होते हैं, वो सब आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो आप देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए। आपको आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करना प्लीज़। बहुत मेहनत से बनाया है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा।
हमारे ये रीति रिवाज आपको कैसे लगे, ये हमारा लुक, सबका लुक आपको कैसा लगा किस तरह से। तो देखिए मामी ने अपनी रीति हो गई, शाम को हमने खाना खाया वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। और अब ये देखिए बर्राजा जो कहते हैं वो आ गए हैं जान लेकर। तो यहाँ पर तोरण विधि हो रही है, यहाँ पर जहाँ कुकने की विधि जो कहते हैं हमारे में कुकने की विधि कहते हैं वर्राजा को, वो विधि हो रही है। तो ये देखिए घोड़े से उतर कर वर्राजा यहाँ आप राजट पर आके खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर सारी विधि, ये लड़की है जिसकी शादी है और ये इस तरह से ये विधि कर, देखिए ये क्या करना है। अभी एक सोई है, सुई जो कहते हैं सुई, उसमें जो डोरी होती है वो डालनी होती है सुई में, जो वर्राजा है उनके सामने देखकर वो सुई में डोरी डालनी होती है। देखिए ये कर रही है, ये भी हमारे में बहुत होता है इस तरह की विधियाँ। जो लड़का है वो लड़की को नहीं देख सकता है क्योंकि आसपास सब लड़कियाँ और औरतें खड़ी हुई है, इसलिए वो लड़का, वो जो शादी करने वर्राजा आए हैं वो इसको नहीं देख सकते, लेकिन ये उसको उनको देख सकते हैं। तो ये देखिए ये ताला और चाबी है जिसको तीन बार खोलना है और तीन बार बंद करना है, वो भी उस जो ये देखिए ये अरीसा है जो काँच है उसने उस वर्राजा को देखकर वो लॉक है ना उसके बंद करना है और खोलना है तीन बार। इस तरह की भी ये विधि है जो मेरे वक्त, तो मुझे बहुत ये देखकर मुझे मेरा वक्त याद आ गया था। तो ये देखिए ये सारे लोग हैं जो वर्राजा का मुंह से दिखा रहे हैं, उसमें देखना है वर्राजा का मुंह देखना है और यहाँ पर लॉक है उनकी खोलनी है और बंद करनी है। तो ये देखिए कि, और ये मुठ्ठी कहते हैं इसे, मुठ्ठी चावल का, हल्दी का और राख का, इस तरह से मुठिये होते हैं जो लड़के पर डालना होता है, लड़के को लगना चाहिए इसे, उस तरह से ये डालने होते हैं मुठिये। तो ये देखिए ये वो कर रही है, मुठिये डाल रही है यहाँ पर। तो आप बताइएगा ये हमारी इस तरह की विधि आपको कैसी लगी, और समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये विधि हो रही है, यहाँ पर मेरी जो मामी है एक, तो वो भी इस तरह से विधि करेगा, मतलब कि उनके स्वागत करेंगे। और देखिए ये वर्राजा, तो आप देखते रहिए और इंजॉय कीजिए और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। यहाँ पर सब गीत भी गाते हैं, जो शादी का जो गीत होता है वो भी यहाँ पर हमारे लोग गाते हैं। हम लोग गुजराती है, राजपूत गुजराती है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर शादी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्राह्मण है जो वर्राजा के साथ भी एक विधि कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तोरण पूजा इसे कहते हैं। आप देखते रहिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये शादी है, शादी का वीडियो तो अब लंबा हो गया है पूरा, अब फिर भी इसमें मैंने आधा ही दिया है क्योंकि आधा में दूसरे पार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए दूसरे पार्ट बताने वाली हूँ जहाँ मैं आपको शादी का संगीत और वो सब भी आपको दिखाऊँगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये वर्राजा जो है उसको हमारी जो मामी है वो लेकर आ रही है पकड़ के,
है, इसीलिए वो खड़ी हो गई और अब राजा यहाँ पर बैठ जाएंगे और आगे की शादी अब शुरू होगी। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये शादी कैसी लगी, हमारी रीति रिवाज आपको कैसे लगी। तो यहाँ पर अब ब्राह्मण अपनी पूजा विधि शुरू करने वाले हैं। ये बहुत पुरानी ब्राह्मण है, बहुत उम्र हो गई है, तो कुछ कुछ वो भूल भी जाते हैं, तो हमें याद दिलाना पड़ता है कि अब ये करना है, अब ये करना है। तो बहुत पुरानी ब्राह्मण है, वो उनको जन्माक्षर जो भी ये देखते हैं वो सही सही बताते हैं। यहाँ कन्या को बुलाने का वक्त हो गया है, चादर जैसा रखा हुआ है। पहले तो ये पूरा मुंह तक रखते थे, ढक देते थे। ये देखिए मेरी मम्मी सारे लोग बैठे हो। ये आपको बता दूं कि ये रात के 1 बजे का समय है। यहाँ पर रात के 1 बजा था जब ये वीडियो शादी का समय। यहाँ पर ये सारे हमारे घर वाले, हमारी मासी होती है। तो ये देखिए अब दुल्हन आ रही है बाहर। तो यहाँ पर ब्राह्मण ने बोला कि अब आज दुल्हन को बुलाया जाए। ये दुल्हन आ रही है तो इस तरह से गेट बनाकर ये लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, बुला रहे हैं बाहर। तो ये देखिए ये दुल्हन आ रही है अभी। तो दुल्हन को मामा लेकर आते हैं। ये जो बाजू में जो दो लोग हैं वो उसके सगे मामा हैं, वो लेकर आए हैं उसे और यहाँ पर बैठाए हैं मतलब। तो ये देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर वो डर रही है कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो डर रही है। तो ये बैठ गई है वो और अब ब्राह्मण है जो अपना सारी क्रिया शुरू करेंगे। हमें अभी देखना है कि क्या करने वाला है। ये दोनों जो बैठे हैं, ये मेरी मामी और मामा हैं जो बैठे हैं शादी कराने के लिए। अब देखिए ये एक दूसरे को हाथ पहनाएंगे, दूसरे को हाथ पहनाएंगे। दूल्हे थोड़े से लंबे हैं तो हाथ पहनाने में उसे थोड़ी तकलीफ हो रही है, इस तरह से वो हाथ पहना है। बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ की शादी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। और मिलती हूँ अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आओ जोक।